नेट इसका हो रहा होगा कुछ। इसका हेलो पूजा इज एंटर्ड। अवंतिका अभी तक नहीं आई है। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? गए एफ ब्लॉक तक पढ़ लिया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपना, यस मैम यस मैम वेरी गुड। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में भी पढ़ लिया था। यस यस मैम मेटलॉइड के बारे में, क्या स्मृति? मेटलॉइड के बारे में भी पढ़ लिया था। यस मैम चलो गुड। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस। तो आप लोगों को पता है वैसे तो रेडियस क्या होता है? होता है रेडियस। हेलो अर्शु, अर्शु क्या होता है एटॉमिक रेडियस? मैम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लाई। वेरी गुड। और अभिनय क्या होता है रेडियस, एटॉमिक रेडियस? मैम न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस में भी मैं पढ़ा नहीं सॉरी। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? सॉरी मैंने सुना नहीं, फिर से बोलो बोल दिया मैम। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द सेंटर ऑफ द एटम एंड फ्रॉम द न्यूक्लियस। मीन्स यू कह सकते हो लाइक इट इज द डिस्टेंस बिटवीन जो हमारे न्यूक्लियस का सेंटर होता है वहां से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का होता है। आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है मेरा? एटॉमिक एटॉमिक रेडियस रेडियस। मैं क्या मैंने भी यही बोला था। बताऊं, अच्छा पता नहीं चला। तब आप सुन नहीं रहे थे ना, क्या करना। सही, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सच में यही बोला था। ना चल ठीक, कोई नहीं। तो बेसिकली अगर इसके बारे में अगर हम और पढ़ें हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो सब में रेडियस ठीक है। तो हमारे एटॉमिक रेडियस क्या होता है? लाइक एटॉमिक रेडियस इज द मैम आपने डिस्टेंस। स्क्रीन शो की है? शेयर तो की नहीं, पूछ वो कह रहा क्या की है? रहा हूँ ना, शायद मेरा नेट ना चल रहा हो। मेरे नेट का कोई भरोसा नहीं मेरे को। अच्छा फिर ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? अब तो दिख रहा है ना, ठीक यस है। मैम डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर से, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट जहां पर क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक रेडियस, ठीक है। बेसिकली अगर क्या होता है, हम जानते हैं, हमने क्या पढ़ा था इससे पहले? मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं ना, इस तरह से होते हैं, है ना? कहीं भी हो सकते हैं। कैसे? जब हमने क्या निकाला था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, है ना? तब क्या कर रहे थे हम? निकाल रहे थे वेव फंक्शन, हमको बता रहा था कि क्या इलेक्ट्रॉन, है ना, वेव लग डेंसिटी हमको बताता था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा क्या होता है, जैसे हम मैंने बोला कि मेरा क्या है, बॉल है। मेरा क्या है? बॉल है, ठीक है। अब क्या उसका एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हो? करेक्टली निकाल सकते हो क्या? बोलो बोलो। करेक्टली नहीं निकाल सकते ना, बॉल का एटॉमिक रेडियस आप करेक्टली नहीं निकाल सकते। क्यों क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि क्या है, अभी मैंने बोला कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे घूमते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन की कोई शार्प बाउंड्री है ही नहीं, जैसे मैंने शार्प बाउंड्री इन द सेंस कि मेरा कोई सर्कल है, सर्कल से यहां तक क्या है, एक शार्प बाउंड्री है ना, तो हमको बोले ये रेडियस है, ठीक है। लेकिन मेरे इलेक्ट्रॉन में क्या है, कोई शार्प बाउंड्री है क्या? यहाँ डिस्टेंस अलग है, यहाँ डिस्टेंस अलग है, ये एम्पलीट्यूड अलग है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो इसमें क्या है? नहीं, कोई शार्प बाउंड्री है ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन लेकिन क्या है, रेडियस निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, प्रिसाइसली नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए क्या करते हैं,
और बेसिकली अगर मान लो कि मेरा एक, एक, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ऐसे भी नहीं निकाल सकते हमने एक इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट कर दिया एटम में, ठीक है, उससे भी हम रेडियस नहीं निकाल सकते। तो क्या होता है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मेरे इलेक्ट्रॉन की पोजिशन चेंज होती है मेरी एटोमिक रेडियस क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, बाउंडेड स्टेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, बाउंडेड स्टेट। उस बाउंडेड स्टेट से क्या होगा, हम बॉन्ड लेंथ निकालेंगे, ठीक है ना, बाउंडेड स्टेट से बॉन्ड लेंथ निकालेंगे। जो बॉन्ड लेंथ क्या बताएगा, कि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस, क्या निकालेगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस बताएगा, ठीक है। इतना समझ आया। अब मेरी, मैं बोल रही हूँ कि जो मेरा एटॉमिक रेडियस है, क्योंकि ये भाई साहब जब हमारे मेटल अलग होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, इनर्ट गैसेस होते हैं, तो हर किसी का साइज क्या होता है, वैरी करता है, करता है कि नहीं करता, है ना, क्या है ये, डिपेंड करता है हमारे किस पे, एटम पे, एलिमेंट्स पे, कि वो मेटल है, नॉन मेटल है या फिर मेटलॉइड है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसीलिए हर एक एलिमेंट के लिए, इधर मेटल हो, नॉन मेटल हो या फिर मेटलॉइड हो, उनके लिए क्या होते हैं हमारे, डिफरेंट टाइप के एटॉमिक रेडियाई होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होती है, हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग निकलती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्या, बेसिकली मैं बोलूं कि जो मेरी फर्स्ट होती है उसे बोलते हैं हम कोवलेंट रेडियाई। क्या होती है मेरी फर्स्ट, होती है मेरी कोवलेंट रेडियस। सेकंड होता है मेरा वंडरवॉल, वंडरवॉल रेडियस, ठीक है। थर्ड होता है मेरा मेटालिक रेडियस, नाम से पता चल रहा है मेटल, ठीक है, मेटालिक रेडियस। एक एक्सेप्शनल केस भी आता है, दैट इज आयोनिक रेडियस। क्या होता है मेरा, आयोनिक रेडियस। अब आप जानते हो मेरा आयोनिक रेडियस दो टाइप का हो सकता है, कौन सा, आयंस कितने टाइप के होते हैं, दो होते हैं ना, कैटायन एंड एनायन, है ना, कैटायन और एनायन। अब कैटायन को कैटायन, कैटायन क्यों बोलते हैं भैया, क्यों बोला, क्यों होते हैं, चार्ज कंटेन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं, हाँ, ठीक है। अब मैंने बोला कि जो हमारे कैटायनिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे मेरा सोडियम हो गया, है ना, सोडियम पॉजिटिव होता है ना। अब मेरे सोडियम में क्या होता है, जो कैटायंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करके अपने आप को क्या करते हैं, शो करते हैं, है ना, पॉजिटिव कैटायन शो करते हैं। तो एनायन ये क्या होते हैं मेरे, क्या होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव और पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और ये क्या होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या हो जाते हैं, वो अपने आप को कहते हैं ना, हमने इलेक्ट्रॉन दान दे दिए, महान बन जाते हैं, ठीक है, इसलिए क्या होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या होते हैं, लेते हैं, ठीक है ना, बोलते हैं ना कि समुद्र खारा क्यों होता है, क्योंकि उसने सिर्फ लेना ही लेना सीखा है, देना नहीं सीखा, ठीक है। तो इसीलिए ये जीवन का सार है, जिंदगी में लो लेने लेने होगा ना, तो क्या होगा, इकट्ठी हो जाएगी जिंदगी, है ना, इसे देना भी सीखो, दिल बड़ा करना सीखो, तो क्या हो गए, ये दिल बड़ा कर लेते हैं, अपना पॉजिटिव चार्ज होता है, कैटायंस बन जाते हैं, ये क्या होते हैं, लेते ही लेते हैं, देते कुछ नहीं है, इसलिए क्या होते हैं, बहुत ही नेगेटिव लोग होते हैं, ठीक है, एनायन। अब नेक्स्ट है, अगर हम बात करें किसकी, इन केस ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल में जो एटॉमिक रेडियाई होती है ना, वो रेफर करती है किसको, कोवलेंट को या फिर वंडरवॉल रेडियाई को, कौन, जो मेरे नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, यहीं पे बता रही हूँ। नॉन मेटल क्या रेफर करते हैं, मेरी कौन सी रेडियाई रेफर करते हैं, इधर कोवलेंट रेडियाई या फिर वंडरवॉल रेडियाई, ठीक है। अब मेरी क्या होती है, अब मेरी जो एटॉमिक रेडियाई होती है, एटॉमिक रेडियाई को हम कैसे मेजर करते हैं, एटॉमिक रेडियाई को भाई साहब कैसे मेजर कर सकते हैं, किसी को पता हो तो, बोलो,
एटॉमिक रेडियाई को मैं मेजर करूं तो कैसे करूंगी? एटॉमिक पढ़ा है फिर भी नहीं बता रहे हो. एटॉमिक रेडियाई मेजर होती है बाय द एक्सरे. किससे? बाय द एक्सरे और या फिर किसी इलेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से, सॉरी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से. किससे? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से. अब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते थे क्या? ये तो बताता था स्पेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन है ना, कैसे घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं. ठीक है, तो हमको एटॉमिक रेडियाई भी कौन बताएगा बेबी? बोलो बोलो. अरे बोलो ना, कहाँ गायब हो गए? एक्सरे या फिर स्पेक्ट्रोस्कोप. ठीक है, अब मेरा आता है व्हाट दैट इज कोवलेंट. ठीक है, क्या आता है मेरा कोवलेंट रेडियाई, दिखाते दो मिनट. अब ये देखो, ये क्या है मेरा इलेक्ट्रिक रेडियाई है. ठीक है, अब कोवलेंट रेडियाई होता क्या है, कोवलेंट का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा व्हाट यू मीन बाय कोवलेंट? क्या होता है कोवलेंट का मीनिंग? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. वेरी गुड. कोवलेंट का मतलब होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या होते हैं? हमारे दो एटम हैं, उनमें क्या होंगे, लाइक सेम सेम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे. ठीक है ना, अब क्या हो गया इनमें, क्या होता है अब भाई साहब, इनकी रेडियाई क्या होगी, शेयरिंग होगी. यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो एक दूसरे से क्या है, क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं. क्या कर रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. ओवरलैपिंग हो रही है. ठीक है ना, किसकी हो रही है? ओवरलैपिंग हो रही है एटम्स की आपस में. अब ये क्या है मेरा, लाइक सेंटर ऑफ है ना, न्यूक्लियस का सेंटर है. तो यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस होता है, इसे बोलते हैं हम, इसे क्या बोल देंगे हम, बोलो बोलो. कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, या फिर इसको बॉन्ड लेंथ क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड, या फिर इसको बोलते हैं कंप्लीट को बोल्ड बॉन्ड लेंथ. क्या होती है? दो बॉन्ड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं हम बॉन्ड लेंथ, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई. अब कोवलेंट रेडियस कैसे निकालेंगे भैया? रेडियस होता है हाफ द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू न्यूक्लियाई. तो ये इसे न्यूक्लियस बोलेंगे ना, इसे रेडियस निकाल सकते हैं. ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, इसे भी रेडियस बोलेंगे. यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये क्या हो गया, लाइक हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, उसे क्या बोलते हैं हम, कोवलेंट रेडियस. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि जो मेरी बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, मेरी बॉन्ड लेंथ क्या है, 74 पिकोमीटर है. तो मेरा रेडियस क्या होगा, रेडियस 74 by 2. तो कितना हो गया मेरा, 37 पिकोमीटर ना. 37 पिकोमीटर क्या हो गया इसका, क्या हो गया, कोवलेंट रेडियस. वेरी गुड. ठीक है, अब इसके बाद आता है मेरा मेटालिक रेडियस. अब व्हाट डू मीन बाय मेटालिक रेडियस, क्या होता है मेरा मेटालिक रेडियस भाई, क्या होता है, कैन यू टेल मी अगेन? सेम. अब हमारे जो मेटालिक रेडियस होता है, जब क्या करते हैं हम दो एलिमेंट्स को क्या होते हैं, लाइक उनके बीच में एडजेसेंट कर देते हैं, वहां पर क्या हो, ओवरलैपिंग नहीं होती है, लाइक एडजेसेंट होते हैं एक दूसरे से, ऐसे क्या हो गई, एडजेसेंट हो गई. ठीक है, अब ये क्या है, इन दो एटम्स के बीच की क्या हो गई, बॉन्ड लेंथ. ये क्या है मेरी, बॉन्ड लेंथ. अगेन आर कैसे निकालेंगे, अगेन आर कैसे हो गया, रेडियस क्या हो जाएगा मेरा, हाफ द डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, उन्हीं को क्या बोलेंगे हम,
क्या बोलेंगे हम, मेटालिक रेडियस। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा मेटालिक रेडियस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि कॉपर के बीच का जो क्या कहते हैं, क्या है बॉन्ड लेंथ है, वो है अबाउट 280 पिकोमीटर। क्या है 280 पिकोमीटर, तो रेडियस क्या होगा इसका 140 पिकोमीटर, राइट। क्या होगा मेरा 140 पिकोमीटर। ठीक है, अब एक और चीज, जो मेरा क्या होता है, मेरा मेटालिक रेडियस होता है ना, मेटालिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियस। व्हाई, क्योंकि कोवलेंट रेडियस में क्या होती है भाई, ओवरलैपिंग होती है। ठीक है ना, मींस ये क्या हो गया, ये देखो मेटालिक रेडियस में क्या है, थोड़ा एडजेसेंट है, पास पास में, लेकिन इसका क्या हुआ, कुछ पार्ट इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया है ना। तो क्या होता है, जो मेरा मेटालिक रेडियस होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द कोवलेंट रेडियस, जस्ट बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, अब मेजर्ड किससे करते हैं, और वही सेम एक्सरे या फिर स्पेक्ट्रोस्कोप से। ठीक है, अब एक और चीज, जो मेरा मेटालिक रेडियस होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/ मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है भाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है मेरी पैकिंग एफिशिएंसी। क्या होती है मेरी पैकिंग एफिशिएंसी। अब पैकिंग एफिशिएंसी से क्या मतलब है, कि आप लोगों ने देखा होगा जो मेरे सॉलिड होते हैं उनमें क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, होते कि नहीं होते, है ना। यस सर। और मेरे जो लिक्विड होते हैं वो क्लोजली पैक नहीं होते, थोड़े से दूर दूर होते हैं, होते कि नहीं होते, है ना। ऐसे ही मेरा क्या होता है, मेटालिक रेडियस होता है, जैसे ही जिनमें क्या होंगे, जो मेरे एटम बिल्कुल पास पास होंगे, जिनका साइज छोटा होगा, यूं कह लो कि पास होंगे, तो उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब ना हंसना नहीं, ठीक है। दो लोग हैं, साथ साथ रहते हैं, ठीक है, तो उनका बॉन्ड क्या है, बॉन्ड क्या है, बोलो बोलो, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है ना, क्योंकि क्या है, उनका डिस्टेंस कम है भैया, क्या है, छोटा छोटा डिस्टेंस है। ठीक है ना, पास वाला रिलेशनशिप है। अब आए बेचारे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले लोग, तो उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, कम होता है। मैम यही एग्जांपल मिला था, कुछ और नहीं था। देखो, हम कई बार चीजें ना ऐसा होता है कि मस्ती मस्ती में पढ़ते हैं तो ज्यादा याद रहती है। अब तुम लोगों को याद रहेगा ये वाला एग्जांपल, तो कभी क्वेश्चन आया कि मेटालिक रेडियस और बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो हंस हंस के तुम क्वेश्चन कर डालोगे। ठीक है, ठीक है ना, कर देगा ना अभिनय, yes, अब तो कर देगा पक्का। ठीक है ना, चलो, अच्छा चलो, क्या समझ आया इससे क्या समझ आया, क्या जो पास में है जिनका क्या है, इंटरेक्शन है ज्यादा, उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या है, ज्यादा, जो दूर है बेचारे, जैसे लिक्विड के मॉलिक्यूल दूर दूर, ठीक है, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम। ठीक है, अब ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल, ठीक है। यस सर। ऐसे ही जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, मेरे दो क्या है, दो मेटल्स हैं, इनका क्या है, इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ वो क्या है, इनकी जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है 140, तो इनका जब रेडियाई निकालेंगे तो क्या होगा, कम होगा। जब रेडियाई कम है तो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। ऐसे ही रेडियस ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब समझ आ गया ना अच्छे से। समझ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट है मेरा इनर्ट गैसेस। अब एक और फिर से, अब इनर्ट गैसेस क्या कहती हैं, इनर्ट गैसेस कहती हैं, भाइयों हम तो ना सर्वगुण संपन्न है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम किसी के साथ अपना केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ऐसे बोलते हैं हमारे इनर्ट गैसेस, बोलते ही नहीं बोलते, क्यों, बड़ा घमंड होता है हमारे ना, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, हमने तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, अब बाहर में जाओ जनता,
ठीक है ना, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना, ठीक, हम तो अपने ही अकेले ही खुश है, ऐसे करते हैं कि नहीं करते, इनर्ट गैसेस, ठीक है। तो वो इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, उनके बीच में क्या होता है, या तो हम कोवलेंट रेडियाई निकालेंगे या फिर वंडरवॉल रेडियाई निकालेंगे, ठीक है। अब बेसिकली जो हमारा इनर्ट गैसेस में निकलता है वो वंडरवॉल रेडियाई निकलता है, ठीक है ना। वंडरवॉल रेडियाई क्यों, क्योंकि क्या होता है भैया, अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, अलग अलग जगह होते हैं, रिएक्शन होती नहीं है, इसलिए दूर दूर भागते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में वंडरवॉल रेडियाई निकालते हैं। अब मेरा, मैंने कोवलेंट बॉन्ड निकाला, लाइक कोवलेंट रेडियाई निकालते हैं, वो तो निकाल लिया आपने, ठीक है। जब हमारे दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो हाफ डिस्टेंस होता है दैट इज रेडियाई, ठीक है, ये 99 आ गया। अब मेरा क्या है, ये दो मॉलिक्यूल है, ऑब्वियसली बात है कि माना इनर्ट गैसेस हैं, ठीक है, ये भी और ये भी इनर्ट गैस के मॉलिक्यूल है। तो अब इनके बीच में, जब इनका न्यूक्लियस और इनके न्यूक्लियस के बीच का, पहले तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, वही बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू अनबाउंडेड, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इनके बीच में वही कोई कोवलेंट बॉन्ड या फिर बॉन्ड है ही नहीं, तो ये क्या है, अनबाउंडेड डिफरेंस है, ठीक है, अनबाउंडेड डिस्टेंस। अब जब हम अनबाउंडेड डिस्टेंस का हाफ करते हैं तो वो निकल आता है मेरा वंडरवॉल रेडियाई, क्या निकल आता है मेरा, वंडरवॉल रेडियाई। अगर आपसे कोई पूछे कि इनर्ट गैसेस में कैसे रेडियाई निकालते हैं, तो बोल सकते हैं कि आप वंडरवॉल रेडियाई निकालो या फिर कोवलेंट रेडियाई निकालो, बेसिकली हम निकालते हैं हमारा वंडरवॉल रेडियाई, ठीक है, क्या निकालते हैं हम, वंडरवॉल रेडियाई। तो वंडरवॉल रेडियाई भी क्या होता है हमारा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ द अनबाउंडेड अनबाउंडेड एटम, ठीक है। अब मेरा जो इनर्ट गैसेस होती हैं, ठीक है, ये वंडरवॉल है, निकाल दिया, ये बता दिया है ऑलरेडी तुम लोगों को, ठीक है। अब मेरे क्या होती हैं, जो इनर्ट गैसेस होती हैं, जो इनर्ट गैसेस होती है ना, नॉर्मली क्या होते हैं, कोई केमिकल बॉन्ड तो बनाती नहीं है, इसीलिए जो उनकी एटॉमिक न्यूक्लियाई होती है ना, उनको एक्सप्रेस करते हैं इन द टर्म ऑफ वंडरवॉल रेडियाई, ठीक है, वंडरवॉल रेडियाई। और इसे क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, इनर्ट गैस रेडियाई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इनर्ट गैस रेडियाई, या फिर वंडरवॉल रेडियाई बोल दो, या फिर कोवलेंट रेडियाई बोलो, कुछ भी बोल दो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करें कि डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई का, तो सबसे ज्यादा किसमें होती है रेडियाई, ऑब्वियसली बात है अनबाउंडेड मॉलिक्यूल है भैया, तू अलग तो उसमें क्या होगी, रेडियाई ज्यादा होगी। देन उसके बाद क्या होगी, मेटालिक, क्योंकि मेटालिक में क्या होती है, एडजेसेंट होते हैं, है ना, ये तो ऐसे दूर दूर होते हैं, ऐसे दूर दूर, यहाँ पे क्या होता है, मेटालिक एडजेसेंट होते हैं। अब कोवलेंट में क्या होगा भाई, कोवलेंट में क्या होता है, ओवरलैपिंग, है ना, तो ये क्या होती है, सबसे कम रेडियाई इनकी होती है, कोवलेंट बॉन्ड वालों की, देन मेटालिक की, देन वंडरवॉल की, समझ आ गया, बताइए बताइए। चलिए अब नेक्स्ट है कि हम कंपैरिजन कैसे करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई को, अगर हम कंपैरिजन करें तो, ठीक है, यहाँ पर देखो एक चीज दिख रहा है, हाँ, अब हमने क्या देखा, पहले हम पीरियड सेकंड को देखते हैं, सेकंड पीरियड में क्या दे रखा है, सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं मेरे, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सॉरी इसको तो जोड़ दीजिए, ये तो क्या है, आउट ऑफ द कवरेज एरिया चल रहे हैं तो, ठीक है, तो क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड टोरीन। अब लिथियम का क्या होता है भैया, जेड, जेड क्या होता है इसका, लिथियम का थ्री, एटॉमिक नंबर थ्री। अब इसका जेड थ्री होता है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं मैम, थ्री। अच्छा, अब यहाँ पे अभी इसको विश्राम देते हैं और एक चीज बताते हैं, मेरा ये है एटम, मैंने इसको एटम बनाया, और यहाँ पर मेरा है न्यूक्लियस, ठीक है, लिथियम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरा इसमें क्या हो गया, लाइक ये पॉजिटिव है, ये जानते हो, है ना, न्यूक्लियस मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है और मेरे इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ मंडराते रहते हैं,
अब मेरे न्यूक्लियस में कौन कौन से होते हैं मेरे, प्रोटोन और न्यूट्रॉन, ये तो होते हैं, दोनों होते हैं ना मेरे, प्रोटोन और न्यूट्रॉन होते हैं मेरे न्यूक्लियस में, है ना। yes, अब ये बताओ कि जो मेरा न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस को पॉजिटिव क्यों बोला, क्यों होता है पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि उसके अंदर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। वेरी गुड। अब इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इन पे तो तेरा कोई चार्ज ही नहीं होता, तो ये तो काम के नहीं, कहते हटाओ, ठीक है तुम्हारा कोई काम नहीं है, चलो यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ आ गया प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वही मेरे न्यूक्लियस का चार्ज होता है, राइट? यू कह सकते हो, कह सकते हो ना, है ना। यस मैम। अब मेरा, अब चलो आगे इस कहानी पे, ये मेरे प्रोटॉन थ्री है, बेरिलियम का चार, तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे इसमें, चार, प्रोटॉन का फाइव, प्रोटॉन का भी फाइव, कार्बन सिक्स, तो इसके प्रोटॉन, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम और इसमें भी सेम, ठीक है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम हो गए। अब चलो आगे बढ़ो। अब मैंने देखा, मैं इसका ना एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाती हूँ, चलो बनाओ। इसका ये न्यूक्लियस, ठीक है, लिथियम, लिथियम की पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, चलो भाई 1s2 2s1 2s1 2s1, बेरिलियम, बेरिलियम की लिखो भाई, अबे लिख क्यों नहीं रहा, 1s2 2s1 2s2, अब इसकी लिखो 1s2 2s2 2s2, और 2p1 2p2 2p2 2s2 2s2 2p3 2s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5 5। चलो भैया, वेरी गुड, वाह क्या मेरे इंटेलिजेंट बच्चे, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं भाई, क्या देख रहे हैं, मेरा जैसे मेरी क्या हो रही है, ऐसे बढ़ रहे हैं पीरियड में, बढ़ रहे हैं, ठीक है, अलोंग द पीरियड जैसे ही बढ़ रहे हैं, मेरा न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, जो मेरा पी है एक तरीके से न्यूक्लियर चार्ज है ना, है कि नहीं? यस मैम। मेरा न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है अलोंग द पीरियड, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब मेरा न्यूक्लियर चार्ज जब अलोंग द पीरियड बढ़ रहा है, हमने देखा कि वहां पर क्या है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये देखो ना आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन है, माइनस वन, इसमें दो, इसमें कितने, तीन, चार, पांच, छह और सात, है ना। तो हमने क्या देखा कि भाई साहब जब मेरा पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, जब मेरा पॉजिटिव चार्ज कितना है, थ्री है, तो आउटर मोस्ट में क्या है, एक है, जब पॉजिटिव चार्ज क्या है, फोर है, तो मेरे आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, टू, है ना। ये मेरा क्या है, जब मेरे क्या है चार्ज फाइव है, तो आउटर मोस्ट में क्या है, थ्री, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, मेरा चार्ज भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, चार्ज भी बढ़ रहा है, तो लास्ट सेल में क्या हो गया, मेरा चार्ज बढ़ गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, लेकिन मेरे क्या हो गए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में मेरे सात आ गए, आउटर मोस्ट शेल में सात आ गए कि नहीं आ गए, yes, ma'am, है ना। अब आपने देखा कि जब चार्ज बढ़ गया, जब चार्ज मेरा बढ़ गया, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे भाई, इससे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे, है ना, होंगे, है ना, वो तो बोलो बोलो ना। अब एक बात बताओ, जब हम किसी के लाइक अट्रैक्शन होता है, तो मेरा न्यूक्लियाई क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, मैम कम होगा, है ना, मैम कम होगा, हाँ कम होगा, है ना। तो मेरे जब क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज मेरा क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो मेरी क्या होती है, क्या होती है, बोलो बोलो, मेरा एटॉमिक न्यूक्लियाई, एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा, मैम डिक्रीज, डिक्रीज क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना, है ना, ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। ये इधर की साइड राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो इंक्रीज होगा, लेकिन हमने क्या किया, ऐसे चले तो मेरा क्या होगा, क्या हो जाएगा,
डिक्रीज। समझ आया ये वाला चीज कैसे हुआ, कैसे डिक्रीज हुआ मेरा एटॉमिक रेडियाई अलोंग द पीरियड? समझ आ गया है ना, क्योंकि जब उसका अट्रैक्शन कम होगा तो डिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। और क्या होगा जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरी, ये क्या हो गई, समझ आ गई पीरियड में? अभी ने तो बिल्कुल ना भूलेगा इस लेक्चर को, क्यों अभी ने भूलोगे नहीं ना? ओ मैम, इसको बार बार देखेंगे। चलो, तो हमारा क्या ट्रेंड निकला, ठीक है, बोलो कि ट्रेंड्स इन एटॉमिक किसमें, बोलो बोलो, रेडियस में, एटॉमिक रेडियस में क्या ट्रेंड निकला भाई साहब? तो पहला ट्रेंड क्या निकला कि इन पीरियड, ऐसा एक नहीं, एक नहीं, हर एक पीरियड में, हर एक पीरियड में क्या होता है, द एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? डिक्रीज, ठीक है ना, एटॉमिक साइज डिक्रीज किसमें, अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं, हमारे एक तो सेम वैलेंस शेल में होते हैं, सेकंड सेकंड में ही होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे क्या होता है, जोन से पीरियड की बात हो रही है उसी शेल में होते हैं, होते कि नहीं होते, बताई थी, जैसे मेरा क्या हो गया सेकंड में था, ठीक है, ये देखो अगर मेरा सेकंड पीरियड में है तो सबके सब सेकंड शेल में होंगे, थर्ड पीरियड में है तो थर्ड शेल में होंगे, फोर्थ पीरियड में तो फोर्थ शेल में, फिफ्थ पीरियड में है तो फिफ्थ शेल में होंगे, ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि जैसे क्या हो गया, बिकॉज क्योंकि क्या हो गया, पीरियड के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, द सेम वैलेंस शेल में है, अब जब सेम वैलेंस शेल में है तो मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड क्या होता है, इंक्रीज होता है, जैसे ही मेरा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है वैसे ही मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है, इंक्रीज, एज ए रिजल्ट मेरे क्या हो गए, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, समझ आ रहे? यस मैम। चलो अब बात करते हैं मेरे किसकी, ग्रुप्स की, अब ग्रुप पे देखो भैया क्या हो रहा है, अब ग्रुप्स में देखो, चलो आ जाओ, अब ग्रुप कहाँ है, ये मेरा फर्स्ट ग्रुप है, ये मेरा सेकंड ग्रुप है, अब इसमें देखो, बनाओ, कोशिश करो, बना सकते हो, तो मेरा इंक्रीज हो रहा है विद एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं ना मेरे, है ना, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं ना, 1, 2, 1, 3, 11, 19, 27, तो मेरा क्या हो गया, जब मेरा इंक्रीज होगा, अब एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज होगा, जब एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है तो मेरा क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी इंक्रीज होगा, ठीक है, तो इसीलिए जब मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है तो मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे मेरे किससे, न्यूक्लियाई से, क्या हो जाते हैं मेरे न्यूक्लियाई से, इसीलिए जब एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है किसमें, ग्रुप में, किसमें, ग्रुप्स में, ठीक है। अब देखो, अब एक और चीज आती है कि मैंने बोला लाइक ग्रुप की अभी बात हो रहे हैं, ठीक है, अभी ग्रुप में क्या होता है मेरा, सबसे मैं बोलू कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताओ क्या होती है मेरे, लिथियम, लिथियम लीना के आरबीसी, लीना के आरबीसी सर पर आर, ठीक है, तो लीनिया इसमें क्या होता है, सेकंड पीरियड में होता है, थर्ड में, ये फोर्थ में, ये फिफ्थ में, ये सिक्स्थ में, सेवेंथ में, सेकंड पीरियड में है तो सेकंड शेल में होगा, सेकंड शेल में है होता है ना, यही तो होता है एनएस वन ग्रुप की, तो ये क्या हो जाएगी 2s1, ये क्या हो जाएगी 3s1, ये क्या हो जाएगी 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, याद है? अब देखो इसका बनाना भैया, इसका बनाना, न्यूक्लियस सेकंड शेल है, फर्स्ट सेल, सेकंड शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसका क्या बनेगा, एक है, एक शेल, दो शेल, तीन शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये फोर्थ की, फिफ्थ की, सिक्स की, सेवंथ की बनाओ, मीन्स क्या हो गया, सेवंथ शेल हो जाएगी, मतलब सेवंथ पीरियड इतना ही तो होता है, वही तो होता है,
पीरियड में ना शेल को ही तो डिनोट कर रहा होता है बेटिया, ठीक है ऐसे लगा लो कि ये सेवंथ है, ठीक है ये सेवंथ है। तो अब क्या देख रहे हो, जैसे हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल और ऑर्बिट क्या हो रही है मेरी, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जब नंबर मेरी इंक्रीज हो रही है तो मेरी एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगी, क्या होगी, देखो क्या होगी, पहले छोटी फिर इससे बड़ी, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेरी एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, द एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज, क्या हो जाती है मेरी रेडियाई इंक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ठीक है। इतना समझ आ गया, यस मैम। अब मेरी पूछूं कि डाउन द ग्रुप मेरी क्या होगी, वंडर बॉल रेडियाई ज्यादा होगी, मेटालिक रेडियस ज्यादा होगी, कोवलेंट बॉल ज्यादा होगा, अबे डाउन द ग्रुप तो मेरे मेटल्स होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ठीक है। अब बात करूं कि मैं किसकी, मैं बोलू कि एटॉमिक रेडियाई ऑफ इनर्ट गैसेस, उसका क्या कर सकते हैं, उसका क्या बोल सकते हो, एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस, इनका क्या होगा, इनका क्या हो सकता है, कुछ समझ आ रहा है, मतलब कुछ है, अब आप जानते हो भैया उनके बीच में क्या होता है, कोई बॉन्ड ही नहीं होता, तो कहते हैं कि हम तो भाई हमने तो अपना पहले ही अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, हम किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो जब इनका बॉन्ड नॉन बॉन्ड है तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है। इसीलिए अगर इनकी कंपैरिजन करें तो क्या निकालेंगे, हम कोवलेंट बॉन्ड ही निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कोवलेंट रेडियाई, या फिर क्या निकालेंगे हम इनके बीच में, वंडर वॉल रेडियाई, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं, इनको कंपेयर कर ही नहीं सकते क्योंकि इनकी तो पहले ही ज्यादा होती है, कोवलेंट रेडियाई और वंडर वॉल रेडियाई, ठीक है ना, विद द अदर एलिमेंट। तो जब भी हमारी कोई भी आपका लाइक इनर्ट गैसेस के बारे में लिखा हो ना कि ये क्वेश्चन दे रखा है तो आपको सीधे सीधे बोल ले जाए कि क्या है, रेडियाई सबसे ज्यादा किसकी होती है, किसकी होती है, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस की रेडियाई बहुत ज्यादा आती है। अब बात कर लेते हैं मेरे किसकी, आयोनिक, आयोनिक रेडियस की, एक्सेप्टेड, ठीक है, मेरे कौन से होते हैं, आयोनिक रेडियस। अब मेरे आयोनिक रेडियस में कौन कौन से होते हैं, मेरे कैटायन और क्या होते हैं, मेरे एनायन। अब मेरे कैटायन क्या होते हैं भैया, क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, है ना, कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं और मैंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना ही तो मेरा कैटायन होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कहां से, फ्रॉम एन एटम, किसी भी एटम से, तो क्या बन जाता है मेरा, फॉर्म कैटायन, है कि नहीं, है ना। अब मेरा एनायन कैसे होता है, यहाँ पे क्या हो गया, गेनिंग, गेनिंग हो गया, गेनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, वो क्या हो गया मेरा, एनायन हो गया। अब बात करते हैं मेरी कैटायोनिक रेडियाई की, अब कैटायोनिक रेडियाई से क्या हो गया, जब हमारे क्या हो गए, अब इलेक्ट्रॉन तो एक नॉर्मल जो हमारा एटम होता है वो, ठीक है, अब उसने मेरे कैटायन में इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, लूज कर दिए तो मेरे रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा बताइए, कम होगा कि ज्यादा होगा, वेरी गुड। जैसे मेरा क्या है, सोडियम है, सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भैया, 11। अब मैंने लिखा कि सोडियम पॉजिटिव, ये क्या है, सोडियम कैटायन है ना, तो इसका, हो इसका क्या मतलब है, इसके इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए, कम हो जाएगा, बिल्कुल। जब मेरे ये एटम, इसमें पहले इलेक्ट्रॉन 11 थे, अब इसमें 10 हो गए, तो ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, साइज कम हो गया,
ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है जो मेरे क्या होते हैं कैटायोनिक रेडियाई होती है, कैटायोनिक रेडियाई इज ऑलवेज स्मॉलर, किससे स्मॉलर होती है हमारे एटम से, है ना, या फिर एटम रेडियस से, यूं लो द एटम रेडियस, क्यों, क्योंकि क्या होता है इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गए, बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं रिमेन सेम, है ना, प्रोटॉन तो मेरे 11 के 11 रहे ना, इसमें भी प्रोटॉन तो मेरे 11 के 11 रहे ना, इसमें क्या हो गया उसमें तो उतना ही है रिमेन सेम, लेकिन इसका क्या हो गया भैया इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या हो गया अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, ठीक है, तो इसीलिए साइज क्या हो गया कम हो गया, ठीक है, यस मैम, ठीक है, तो क्या हो गया ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया मेरी साइज क्या हो गया डिक्रीज हो गया, अब मेरा जब क्या हो गया अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियर ऑन एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, तो उसका क्या मतलब है मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा इंक्रीज हो गया तो रेडियस क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, है ना, जब मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा अट्रैक्शन ज्यादा है तो मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा हो गया ना भैया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो मेरा न्यूक्लियस क्या हो गया कम हो गया, रेडियस क्या हो गया सॉरी रेडियस क्या हो गया कम हो गया, ठीक है, तो ये है मेरी आयोनिक रेडियस की कहानी, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आयोनिक रेडियस के बारे में, आयोनिक रेडियस लाइक बोलते जाओ क्या सीखा, द साइज ऑफ कैटायन इज क्या होता है ऑलवेज क्या होता है भैया बोलते जाओ बोलते जाओ, कभी मैं ही भूल जाऊं, smaller than the always smaller than the ion, हाँ corresponding कॉल दूँ ना अपने मैंने कहा फिर आप बोले दे देगा, ठीक है, next क्या होता है decrease हो जाएंगी number of cell, yes ma'am, decrease the number of shell shell और क्या increase हो जाएगा increase the इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बढ़िया ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो मेरा क्या हो गया अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेस, है ना, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो गया तो मेरा क्या हो गया न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज हो जाएगा एज द अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस के रेडियस क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पे कैंसिल, तो द रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है ना, ओके, तो हमारा अगर बोले कि जो हमारा क्या है एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई इज ग्रेटर देन कैटायनिक सॉरी कैटायनिक कैटायनिक रेडियाई, ठीक है, इसके एग्जांपल भी आएंगे कैटायनिक रेडियाई, मम्मा निकाल दो, ठीक है, ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ मेरा मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका क्या होगा इसका Z क्या होगा इसका Z क्या होगा बताओ जल्दी, 12 हाँ जी 12 तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 12 अब इसका Z क्या है इसका Z तो भाई 12 है, ठीक है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे 10 तो मेरा इसका रेडियाई इज ग्रेटर देन एम पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना,
ठीक है, जो बड़ी हो जाएगी ना, जब तेरे हाँ, ऐसे ही अगर मैं बोलूं किसका कि मेरा मेरा ना लाइक मैग्नीशियम है, ठीक है, लाइक मैग्नीज है, ठीक है, उसका मैग्नीश का लाइक मैंने बोला एक Mn है, एक Mn पॉजिटिव है, एक Mn पॉजिटिव पॉजिटिव है, अब रेडियस बताओ इनका, अब क्या होगा, किसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा? मैं Mn का, Mn का है ना, है ना, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, इसका रेडियस ज्यादा, फिर इसका कम, फिर इसका सबसे कम, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है, तो मेरे क्या हो गए, मैंने मतलब कहना क्या है कि जैसे जैसे क्या होगा, मैग्नीट्यूड, लाइक मैग्नीट्यूड किसका, मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, लाइक मैग्नीट्यूड चार्ज इंक्रीज होगा, वैसे ही मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कैटायन क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्या हो जाएगा, मेरा डिक्रीज हो जाएगा। तो यूं कह, अब ऐसे सीधे बोल सकते हैं, लाइक साइज ऑफ कैटायन क्या हो जाएगा, इज किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ऐसे लिख सकते हो ना, है ना, यस मैम, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे साइज ऑफ कैटायन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, देखो चार्ज बढ़ा, पॉजिटिव पॉजिटिव देन पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, जैसे भी चार्ज इंक्रीज होगा साइज ऑफ कैटायन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेरी किसकी, एनायोनिक, एनायोनिक रेडियस की, एनायोनिक रेडियस में क्या होता है, क्या होता है, एनायोनिक रेडियस बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा, हमेशा क्या होगा, ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर, इससे ग्रेटर देन एटॉमिक, एटॉमिक रेडियस, रेडियस। अब तुम समझ ही गए होंगे क्यों, ये एग्जांपल दूं, बोलो बोलो, ना मैं समझ गए ना, एनायन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं देन द प्रोटॉन, है ना, एनायंस में क्या हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मोर ज्यादा होते हैं देन किससे, प्रोटॉन से, अब वो ज्यादा हैं तो मेरा न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स मेरे ज्यादा हैं तो वहां पर क्या हो जाएगी, रेडियाई ज्यादा हो जाएगी, अनदर रीजन कि हमने क्या कर दिया, वहां के ना पहले ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, ज्यादा थे, अब उसने क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और ज्यादा हो गया, अब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो इनमें क्या हो गई, मेरी रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाती है, और ज्यादा हो गई। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में हम लोग तो हैं, फेवरेट चीज हमारे कोई फेवरेट चीज आ जाए, उसी बीच हमारा दुश्मन भी टपक जाए बीच में, तो हम क्या करेंगे, ए तू चल यहाँ से, ए तू चल यहाँ से, निकल यहाँ से, करते ना, कई बार कजन्स आ जाए, ठीक है, कोई और आ जाए जो हमें पसंद ही नहीं है, अब मम्मी पापा उस पर ज्यादा ध्यान देने लग जाए, हम क्या करने लग जाते हैं, उसे ऐसे देखते से अभी से मार डालेंगे, अभी भगा देंगे यहाँ से, तो ये क्या हो गया कि पहले ही हमारे घर में है इतने, तुम और फालतू आ गए हमारी चीजों को लेने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिपल्शन इंक्रीज हो जाता है, एज एन रिपल्शन जब इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, ठीक है ना, तो अब इसको क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, दैट एनायोनिक रेडियस क्या होता है, इज लेस देन एटॉमिक रेडियस। अब इसको कैसे ले सकते हैं, पूरा कैसे कर सकते हैं इसको, मतलब एक कंप्लीटली लें उसको बोलें तो, मेरा क्या हो गया, लाइक ऐसे बोल सकती हूँ, एक्स नेगेटिव इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, ऐसे लिख सकती हूँ, है ना, यस मैम, ठीक है ना, ठीक है ना, तो मेरे क्या हो गया, लाइक मेरा यहाँ हो गया एनायोनिक रेडियस इज ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस,
लेकिन एटॉमिक रेडियस इज ग्रेटर देन कैटायोनिक रेडियस. क्या हो गया, बोर हो गया है? नो मैम. चलो आज के लिए काफी है, वरना तुम लोग बोर हो जाओगे. और वैसे तो मैं एग्जांपल दे सकती हूँ. अच्छा एग्जांपल पूछ लूँ क्या? वो पूछ सकते हो. हाँ वो पूछ सकते हो. वैसे हम मैं बहुत बोर हो रहे हैं. चलो क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वुड हैव द लार्ज साइज, वुड हैव द लार्ज साइज. फॉर एग्जांपल है मेरा पोटेशियम एंड पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, ठीक है. पोटेशियम का ज्यादा है. ब्रोमीन एंड ब्रोमीन नेगेटिव. मैम ब्रोमीन नेगेटिव का ज्यादा है. नेगेटिव ठीक है. ओ टू नेगेटिव एंड एफ नेगेटिव, इसका साइज ज्यादा रहेगा. लिथियम पॉजिटिव और सोडियम पॉजिटिव. मैम दोनों का सेम है तीसरे में. अच्छा नहीं, ओ टू नेगेटिव का ज्यादा है. ठीक है. फिफ्थ है मेरा सोडियम पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम टू पॉजिटिव. हम दोनों का इक्वल है. हम दोनों का सेम है. किसका मैम? फिफ्थ का. मैंने पॉजिटिव एंड जी टू पॉजिटिव. इस पे भी मेरा नया कॉन्सेप्ट है, वो मैं बताऊंगी तुम लोगों को. पहले चलो इन लोगों को बताओ, पहले इसका बताओ. इसमें एटम का किसका साइज बताओ? क्या ब्रोमीन? ये ना ब्रोमीन. ओ टू नेगेटिव और एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव में मैम दोनों इक्वल. इक्वल देखो मतलब अब वैसे तो मैं कल बताती, लेकिन फिर भी ना एक चीज बताती हूँ, ठीक है. जब हमारा ना जब जहाँ पे जब हमारी इलेक्ट्रॉन इक्वल हो, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं कई बार ना एक एक चीज होती है. मतलब अभी तो वैसे तो मैं वैसे बताऊँ, अभी तुम जनरली अभी तुम वैसे एग्जांपल दे रहे हो जनरल एग्जांपल. अभी हम लोग क्या होते हैं, जो अच्छा बच्चा होता है तो सब लोग उसकी तारीफ करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना. yes, ma'am. है ना. और जो गंदा yes, बच्चा होता है उससे क्या करते हैं? सब दूरी बनाते हैं. ठीक है. दूरी का मतलब है कि रेडियस, रेडियस से भी क्या होगा, वो रेडियस भी क्या उसकी होगी, दूर होगी. और जो अच्छा बच्चा है जो पॉजिटिव है उसके पास क्या होगी, दूरी घट जाएगी. दूरी घट जाने का क्या मतलब है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, मींस मेरी क्या होगी रेडियस भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी. समझ गए? अब बताओ मुझे. चलो अब बताओ, अब समझ आ गया होगा. पांच मिनट बताओ बताओ जिनका सेम इलेक्ट्रॉन. O2 नेगेटिव. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. O2 नेगेटिव क्यों मैम? क्योंकि इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये क्या हो गया, O2 नेगेटिव. O2 नेगेटिव है. बोलो बोलो इसका क्यों गया? मैंने क्या बोला था? वेरी गुड. और इसमें मैम कल करें. ओ बोर हो गई मैम? बोर नहीं हुई बट क्या हो गया?